हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस लेस है। ही और शी, सेम जेंडर, किसी के लिए भी, ये सबके लिए है, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो सेम जेंडर हो। तो फ्रेंड्स, रीडिंग का टॉपिक आपने सुन लिया। आज देखते हैं, कुछ कार्ड मैं आपके पसंद के निकालूंगी, कुछ दो तरीके से कार्ड निकालूंगी, पसंद और नापसंद के, फिर दूंगी आपको उसमें क्लैरिटी कि आपके पार्टनर को आप में से कौन सी चीज़ें पसंद है। ये चार कार्ड जो होंगे ये है पसंद के। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ए पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ये है नापसंद के चार कार्ड। ये देख लीजिए, ये नापसंद के है, ये पसंद के है, और ये है बॉटम ऑफ डेक मजीशियन। तो फ्रेंड्स, पहले पसंद का करें या नापसंद का, आप बताइए। मुझे पता है आप पसंद का ही बोलोगे कि पहले पसंद का बताऊं। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर को जो चीज़ें आप में पसंद है वो ये पसंद है कि आप बहुत जल्दी उनके साथ घुल मिल जाते हो। आपका नेचर जो है, अलग अलग रहना नहीं है, सबके साथ रहना है। और वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि आप झूठ बोलने की आपको आदत नहीं है। आप सबके साथ एक एकजुट रहने में आप विश्वास रखते हो। आपका मेल जोल वाला स्वभाव है, ना कि लड़ने झगड़ने वाला। एक उनको ये भी अच्छा लगता है कि आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं में ही है, आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं में ही है। आप उनको पसंद करते हो, इस चीज़ को लेवे के वो हमेशा मन में खुश रहते हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए, उनको आपका शर्माना भी बहुत पसंद है। वो आपको मानते हैं, उनको पता है कि आपका नेचर, आप साफ दिल के हो। उनका आपका शर्माना उनको बहुत पसंद है। आप जब सिर झुका के शर्माते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो इस बात को भी अच्छी तरह जानते हो कि आप दिल के साफ हो। अगर आप कुछ कई बार मुंह से कुछ बोल देते हो तो वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो नेचर है, आप अच्छे दिल के हो। यही नेचर उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। शर्माना भी पसंद है कि आप जब उनको देख के शर्माते हो और उनके ऊपर ही आप रुके हुए हो, तो ये लॉयल्टी भी उनको आपकी पसंद है। टू ऑफ सोर्ड्स का भी यही है कि आप दिल के साफ हो, लेकिन आप हर तरफ कोई भी मैटर हो तो संभालने की हिम्मत रखते हो। भले ही आप कंफ्यूज हो, लेकिन चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल करना जानते हो। आप कोई भी काम हो बराबर का, ये नहीं किसी को ज़्यादा अहमियत दी किसी को कम, चीज़ सही लेके चलते हो, चाहे उसके लिए आपको कोई गलती क्यों ना कह दे। ये चीज़ें उनको आपकी पसंद है। लॉयल्टी, एक साथ मेल जोल का स्वभाव, और आपका जो शर्माना, और एक उनको पता है कि आप उन पे रुके हुए हो, आप उनके लॉयल हो, उनके उनके ऊपर रुके हुए हो। ये चीज़ भी उनको पसंद है। और उनको ये भी पता है कि जहाँ दो बातें होंगी, दो चीज़ें होंगी, आपका दिल इतना साफ है, आप हमेशा सही का साथ दोगे, गलत का नहीं साथ दोगे, भले ही उसमें उनका आपका नुकसान हो जाए। इस चीज़ को लेके वो बेहद पसंद करते हैं आपके इस नेचर को और आपकी इस अदा को। ये थी उनकी, जो आपकी चीज़ें उनको पसंद है और जिसकी वजह से लेके, जिसको लेके वो हमेशा
मन में कभी भी सोचते हैं तो उनके दिल में उनको हरदम आप अच्छे लगते हो, और जो चीज़ें नहीं पसंद है वो ये है। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि उनको ये चीज़ें नहीं पसंद कि हरदम आप किसी बात को लेके खींचो, आगे बढ़ो और उदास रहो, दुखी रहो, मन में परेशानी अगर आपके हो तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताते हैं ईगो में अगर कभी आप बात करते हो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी। अगर आप कभी चिड़चिड़े होते हो, होपलेस हो जाते हो, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ें उनको नहीं पसंद है। भले ही आप इमोशनल हो, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हो, उनको दिल में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप होपलेस हो जाते हो, उदास हो जाते हो, या गुस्से में कड़वाहट में कुछ बोलते हो, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कार्ड जो है ये बताता है कि साथ में रहना आपके उनको पसंद जहाँ पे है, पीछे पीछे आप ज़्यादा घूमते हो, हर बात को लेके उनको फोर्स करते हो, उनके ऊपर पीछे पीछे किसी चीज़ का प्रेशर देते हो, तो वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, चाहे वो कमिटमेंट का ही हो। वो कहते हैं साथ में खड़े रहो, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो, और जहाँ कोई कमिटमेंट की बात आती है या मैरिज को लेके, तो मुझे लगता है उनको ये आपकी बात पसंद नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अंदर से थोड़े से वो इन बातों को नापसंद करते हो। गुस्से में चिड़चिड़ापन, हर वक्त उदास रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपका। गुस्से में चिड़चिड़ापन, कभी गुस्से में कुछ बोल देना वो भी पसंद नहीं है। साथ में रहो, हंसो खेलो ठीक, लेकिन जहाँ कमिटमेंट मांगो वहाँ उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो चीज़ उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं जब तक साथ में हो, पास में हो, हंसो खेलो, ज़्यादा आगे तक की मत सोचो। ज़्यादा आगे तक की सोचना जरूरी नहीं है, क्या पता वक्त में आगे क्या हो। फोर ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है जहाँ फैमिली रिश्ता आगे बढ़ाने की, फैमिली की बात आती है, जब वही बात है कि जहाँ आप उनको झुकने के लिए कहते हो, जहाँ आपको लगता है कि आप उनको कहीं मैरिज के लिए या परिवार के लिए बात करने के लिए कहते हो, वो चीज़ें वो आपको चाहे हाँ बोल देते हो, अंदर से उनको ना पसंद है। उनको यही पसंद है कि आप आओ, हंसो बोलो, बात करो, घूमो फिरो, फ़ोन पे बातें करो। कमिटमेंट और मैरिज की अगर आगे बात करने के लिए आप प्रेशर डालते हो, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। किसी भी चीज़ का मतलब पुश करना उनको पसंद नहीं है, कि आप अगर उनको कहो कि नहीं मैरिज की बात करो, नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो उस चीज़ को वो लेके नापसंद करते हैं। अंदर से लगाव करते हैं आपसे, जब आप उदास होते हो वो भी उनको नापसंद है, अगर आप गुस्से में चिड़चिड़ा हो जाते हो बोलते हो वो भी नापसंद है, लेकिन जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, जो उनको पॉजिटिव लगती हैं वो चीज़ें ये हैं, जो नेगेटिव उनको लगती है अभी जो नापसंद है वो चीज़ें ये हैं। कमिटमेंट परिवार के भी, शादी की बात करो, मुझे कमिटमेंट दो, अगर शादी की बात नहीं करनी वो चीज़ें नहीं पसंद। गुस्से में आप कभी बार इस चीज़ों को लेके बोल भी देते होगे कि नहीं करनी, तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, वो चीज़ें नहीं पसंद। उदास हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उनके सामने अगर रोते हो, बिलखलाते हो, तो वो भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। हो सकता है फ्रेंड्स मजबूरियाँ लाइफ का दूसरा नाम है, कहते हैं कुछ नहीं है, घरों में सबके प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज़ें आपको उनकी पसंद है कि आप मेलजोल करने वाले हो, आप उन्हीं के ऊपर रुके हुए हो, आपका शर्माना उनको बहुत पसंद है, क्योंकि वो जानते हैं आप साफ दिल के हो और हर चीज़ को बैलेंस बैठाना अच्छे से जानते हो। अगर गलती होगी जिसकी भी, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो जाए, आप उसी की गलती निकालोगे, भले ही सामने वाला आपको बुरा भला कहे। ये देखिए द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि वो आपको वैसे इसी तरह का ही समझते हैं, इसी तरह का ही समझते हैं, अच्छा समझते हैं। ये चीज़ें तो पसंद की होगी, ये हो गई नापसंद की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट और मैरिज को लेके प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये आर्गुमेंट, लोगों का इंटरफेयर करना, फैमिली वाल हो या सोसाइटी,
कास्ट का इशू भी हो सकता है, उन चीजों का भी ये बता रहा है। ये टेम्परस का कार्ड ये बताता है कि टाइम लगेगा, बैलेंस बनेगा, रिश्ता आगे वर्क भी करेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक ये था, लेकिन इन चीजों की वजह से दिक्कत हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां मैंने आपको कहा कि उनको नहीं पसंद है, आर्गुमेंट हो जाते हैं शादी और कमेंट बैठ को लेके, शायद क्यों ऐसे, क्यों ये चीजें, मैंने ये कार्ड इसलिए निकाले हैं अभी, क्यों ये चीजें उनको आपकी नापसंद है। जहां आप कमिटमेंट या शादी के लिए कुछ फोर्स करते हो, तो वो अपने आप को कुछ प्रूफ नहीं कर पाते और अलग अलग फील करते हैं, और उनको आपकी ये चीजें पसंद नहीं है, तो उसकी वजह है सोसाइटी, लोगों का, हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो कुछ लोगों के लिए, उसकी वजह ये थर्ड पार्टी और सोसाइटी है। और ये देखिए ड्रामे भी होते हैं, जब अगर वो घर में कोई बात करते हैं मैरिज को लेके या कुछ, तो इसलिए उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि आगे वाले आने वाले का टाइम का कुछ पता नहीं है, जब हम साथ होते हैं तो सिर्फ हम अपनी बात करें, किसी तीसरे को लेके बात ना करें। वैसे अगर दिल में कहो तो दिल में वो आपको ये छवि दे रखी है उनको, उन्होंने, हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो या वो स्पिरिचुअल हो, लेकिन उन्होंने आपको ये छवि दे रखी है। यहाँ पेश नहीं चलती उनकी, यहाँ दिक्कतें आती हैं, इन कार्ड्स में ये बताते हैं यहाँ दिक्कतें आती है, लेकिन दिल को, दिल में उन्होंने आपको ये छवि दे रखी है, उनको आपकी ये चीज़ें पसंद है। ये चीज़ें ना पसंद है क्योंकि ये लोग, लोगों का इंटरफेयर है, सोसाइटी का भी हो सकता है आपके रिश्तों को लेके, कास्ट इशू या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। बैलेंस करते हैं, उनसे होता नहीं है, लेकिन आपको वो दिल से ये चीज़ आपको इस तरह का मानते हैं। ये कार्ड आप समझते हैं द मैजिशियन, कि उनको लगता है कि आप हर तरफ से सही हो, अगर कमियां हैं तो सिर्फ मेरे में, चाहे वो ही और शी हो, चाहे सेम जेंडर हो, अगर कमियां हैं तो सिर्फ मेरे में, इस चीज़ को वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब आप सामने में होते हो, उदास होते हो, तो ये एक ह्यूमन नेचर का यही होता है कि चाहे दिल में कुछ भी सोचे, जो सामने होता है वही दिखता है, और उसको लेके ही सामने वाला रिएक्ट होता है। अगर आप उदास होते हो तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने आपको ये दर्जा दे रखा है। किसी चीज़ को लेके बहसते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, या जलन, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उनको आप में जलन आती है, जलन देखते हैं, तो वो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो उनकी लाइफ में है वो उनको निकाल नहीं सकते, वो उनका मजबूरी भी कह सकते हो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, अगर शादीशुदा है तो। वो साथ साथ रहना उनको अच्छा लगता है, अगर आपको वो किसी चीज़ का फोर्स, कमिटमेंट और मैरिज का, वहाँ पे जाके भी वो चीज़ें उनको नापसंद है आपकी। मैरिज का करना, परिवार के साथ बात करना, आगे बढ़ने के लिए कहना, कई प्रॉब्लम होगी जो आप लोगों में बातें होती होगी, उनको ये भी नापसंद है। नापसंद क्यों है? क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का, आप लोगों की रिश्ते में कास्ट इशू, रिलीजियन, कुछ भी हो सकता है, तो उनको वो सोल होता हुआ नहीं दिखता। जब वो आपके सामने आते हैं, आप इन बातों को शुरू करते हो, तो वो क्या हो जाते हैं? एब्सेंट, क्योंकि वो आपके पास आते हैं अपने आप को हील करने के, वो हील तो होते नहीं और दुखी होके चले जाते हैं। टेम्परस का कार्ड बताता है कि अगर वो, उनको पता है अगर मैं कोशिश भी करूँगा इस सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए, तो मुझे टाइम भी बहुत लगेगा, और बिना टाइम के पहले अगर आपको किसी चीज़ का कमिटमेंट दे देते हैं, तो आपने फिर कहना है कि कमिटमेंट दिया, पूरा नहीं किया। क्योंकि कमिटमेंट का मतलब ही यही है, अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा तो करना ही चाहिए। लेकिन उनके दिल में जो छवि है वो आपकी ये है, द मैजिशियन, यानी कि आप हर तरफ से सही हो। वो सोचते हैं कि अगर गलत हूँ, अगर कहीं कमियाँ हैं, अगर कहीं मजबूरियाँ, तो वो सिर्फ मेरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में अगर आपको कोई इस रिश्ते के लिए मना भी करेगा, तो आप तब भी सब कुछ, दुनिया छोड़ के उनके पास आने की हिम्मत रखते हो। कमी है तो सिर्फ मेरे में, क्योंकि मैं हर चीज़ के साथ बंधा पड़ा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपके पर्सन की मैंने बताई कि क्या खूबियाँ उनको आपकी पसंद है और क्या नहीं।
और किस वजह से, ये भी मैंने बता दिया किस वजह से आपकी वो इन चीज़ों को लेके नापसंद करते हैं और आपको दिल में यहाँ रखते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके फ़ोन तक। आपको मेरी वीडियो कोई मिस नहीं करनी। और जाते जाते मैं दूंगी आपको एडवाइस, देखिए आपने ये नापसंद वाले कार्ड देखे हैं, आपने सारी वीडियो ये सारी रीडिंग देखी है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि वक्त का इंतज़ार करना है और ज़्यादा सामने वाले को प्रेशर नहीं करना, क्योंकि आपके पर्सन अभी वक्त लेंगे और उनको पता है चीज़ों में बैलेंस बनने में टाइम है। अगर उनकी लाइफ में कोई और क्रश है तो आपको और भी संभल के चलना होगा। जो आपके पास में हो गया ठीक है, आगे आपको कदम संभल के रखना होगा। आप समझ गए होंगे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी में आओ मैं ये नहीं चाहती, इसलिए मैंने दी है एडवाइस। माननी ना माननी आपकी मर्जी है। तो जाते जाते गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या इलाहाबाद रहो।